हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। एफटीआर के इस छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन और आंसर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ वाटरफॉल्स बहुत ही इजी होंगे, आप सभी को पता है कि आप सबको कुछ वाटरफॉल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है। आज हम उससे संबंधित कुछ 10 से 12 क्वेश्चन देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में भी बात करेंगे वाटरफॉल से। मैं बात करूँ अगर पिछले वीडियो का, जो कि पर्यटन वाली एक लगभग 2021 क्वेश्चन की एक वीडियो आई थी, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो रामगढ़ वाला एक केस फंस रहा था, इसमें लोगों ने बोला कि यहाँ पे मूर्तिकला के बारे में है और वो पहले एक एग्ज़ाम में आ चुका है। तो जहाँ तक मैंने उसको सोचा था और मैंने किस प्रकार से आंसर लिया, मैं उसका एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि जो जोगीमारा गुफा थी और जो सीता बेंगरा गुफा थी, दोनों रामायणकालीन स्थल थे एंड उसके बाद वो मौर्यकालीन स्थल भी होते हैं, ठीक। और उसी मौर्यकाल में सीता बेंगरा जो गुफा होती है, ठीक है, जो सीता बेंगरा गुफा है, वहाँ पर सीता बेंगरा गुफा में जो सुतनुका नामक देवदासी थी वो उसकी ऑनर होती हैं, ठीक। यानी कि वह एक नाट्यशाला के रूप में प्रसिद्ध था, कौन, सीता बेंगरा, यानी कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में उसे विश्लेषित किया जाता है। अब जो जोगीमारा गुफा थी वहां पर रहते थे देवदिन नामक एक मेकअप आर्टिस्ट थे, ठीक। और देवदिन और साथ ही साथ सुतनुका, इन दोनों का प्रेम संबंध के बारे में वहाँ की जो भित्ति चित्र हमें मिलती है, जो भित्ति यानी कि जो गुफाओं के जो वॉल पे जो लिखा हुआ है, जो कि ब्राह्मी लिपि एवं पाली भाषा में लिखा हुआ है, वह सुतनुका एवं देवदिन थे, उन दोनों के प्रेम संबंध के बारे में वहाँ पे वर्णन किया गया। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि इस जो जोगीमारा के साथ ही साथ जो सीता बेंगरा गुफा थी, तो सीता बेंगरा गुफा में बहुत सी नियांगना जो थी वो नृत्य करती थी। इस तरीके से वहाँ पर अगर देखा जाए ओवरऑल सिस्टम में, तो वहाँ पर अभिनय के बारे में ही एक्चुअली में डिस्क्राइब किया गया है उस लेख में जोगीमारा के, ठीक है। और फिर बात करें कि मूर्तिकला के बारे में, तो वहाँ पर इस तरह की कोई मूर्ति उस टाइम पे तो नहीं थी जिसके बारे में वहाँ पर वर्णन किया जाएगा, ठीक। तो बेसिकली जो मेरा आंसर था अभिनय को लेने का, वो उसका संदर्भ यही था कि वहाँ भित्ति चित्र में सीता बेंगरा में स्थित जो देवदासी थी जिनका नाम था सुतनुका, वो एक नृत्यांगना थी, वो एक देवदासी थी जिनके अभिनय के वर्णन वहाँ पर किए गए हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बिल्कुल डी होगा, ठीक। राज्य में माघ पूर्णिमा, ठीक, पुष्प पुण्णी, क्लियर। एंड एक क्वेश्चन और था आपका बिलासपुर वाला, न्यायधानी और संस्कारधानी का केस। आप सबने कहा कि राजनांदगांव जो है वो संस्कारधानी है और बिलासपुर न्यायधानी। जो इस तरह की संज्ञाएँ दी जाती हैं, चाहे वो न्यायधानी हो चाहे वो संस्कारधानी हो, बिल्कुल अच्छी बात है। लाइक छत्तीसगढ़ का अमरकंटक या छोटा अमरकंटक बेलपान को कहा जाता है, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो अब इसके बारे में एक तथ्य यह है कि अभी 5 नवंबर से लगभग 11 दिवसीय, 5 नवंबर 2019 में 11 दिवसीय NBT नेशनल बुक ट्रस्ट का पुस्तक मेला कहाँ पे, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल बिलासपुर में लगा। उसमें पूर्व अध्यक्ष, राजभाषा के पूर्व अध्यक्ष विनय कुमार पाठक जी आए और उन्होंने अपना स्पीच दिया। और स्पीच में उन्होंने कहा संस्कारधानी बिलासपुर, क्या कहा उन्होंने, संस्कारधानी बिलासपुर, ये न्यूज़ में था ये, ठीक है। तो इस वाले वर्ड्स को आप ध्यान देंगे, पहले न्यायधानी के पहले बिलासपुर को भी संस्कारधानी बिलासपुर कहा जाता था, ठीक। और आज भी कहा जाता है, कई जगह संस्कारधानी बिलासपुर प्रयोग होता है, कई जगह वो लिखा हुआ भी है। तो इस चीज़ को थोड़ा और क्लेरिफाई करें आप, ताकि एग्ज़ाम में जो पॉइंट आएंगे उस पर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा ब्रॉड लेवल पर देखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं वाटरफॉल से रिलेटेड, रफली देखेंगे, समझिएगा, ठीक। जो पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसे कॉपी में नोट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, पहला है, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा की संज्ञा दी जाती है। आपको सबको पता है कितना आसान सा क्वेश्चन है, कौन सा आएगा आंसर इसका, चित्रकूट जलप्रपात। तो चलिए आइए देखते हैं चित्रकूट जलप्रपात के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, ठीक। तो जो चित्रकूट जलप्रपात है, सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है, ठीक। इंद्रावती नदी के निकट ही क्या स्थित है मेरी, जगदलपुर, याद रखिएगा, इंद्रावती नदी पर स्थित है जगदलपुर। और जगदलपुर का नाम क्या है, जगतगुड़ा या जगदुगुड़ा, जो जगदू महारा नामक एक व्यक्ति थे उनके नाम पर इसका नाम जगदुगुड़ा पड़ा। और जब मैं आदिवासी संस्कृति या भी बस्तर एरिया की बात करूं, तो वहां पे हर एक प्रमुख शहर का दो नाम होता है, एक नाम जो आज प्रचलन में है और एक नाम वाद्य यंत्रों के आधार पर होता है, इसके बारे में हम डिस्कस फिर कभी करेंगे, ठीक। तो इंद्रावती नदी के निकट जगदलपुर शहर है जिसे चौराहों का शहर कहा जाता है, पहला पॉइंट। इंद्रावती पर ही
जगदलपुर से लगभग लगभग 40 किलोमीटर दूर आपका चित्रकूट जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? चित्रकूट जलप्रपात है, याद रखेंगे चित्रकूट जलप्रपात। और ये चित्रकूट जलप्रपात की जो चौड़ाई है लगभग 300 फीट है, याद रखेंगे इसकी चौड़ाई 300 फीट है। और जब एरियल व्यू से इसे देखा जाता है तो ये इस तरीके से घोड़े के नाल की तरह इसका व्यू दिखता है ऊपर से, यानी इसका टॉप व्यू, एरियल टॉप व्यू इसका किस तरह दिखेगा? घोड़े की नाल की तरह। तो इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि चित्रकूट जलप्रपात तो भारत का नियाग्रा है लेकिन उसकी आकृति कैसी है? तो घोड़े की नाल की तरह, ठीक, चौड़ाई 300 फीट। अब बात करें कि इसकी हाइट कितनी है, करेक्ट, यानी कितनी ऊंची से इसके पानी नीचे गिरेगा, तो ध्यान रखेंगे टोटल 90 फीट से। ठीक है, ये क्वेश्चन आगे आएगा कि कितनी ऊंचाई है चित्रकूट वाटरफॉल की, तो 90 फीट। कितनी चौड़ाई है? 300 फीट। किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर। और एक चीज और, इस चित्रकूट वाटरफॉल में इंद्रावती के साथ ही साथ एक नदी जिसका नाम क्या है? नारंगी। तो नारंगी नदी का भी पानी इसमें आ जाता है, किसमें? इंद्रावती पर। और इंद्रावती पर समाहित होने के बाद नारंगी और इंद्रावती दोनों सम्मिलित रूप से चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण करते हैं, करेक्ट। अब पॉइंट ये है कि नारंगी और ये आपका कौन सा? इंद्रावती, इन दोनों के संगम पर एक ग्राम है जिसको बोला जाता है नारायण पाल ग्राम। और यहीं पर आपका क्या स्थित है? नारायण पाल का मंदिर, नारायण पाल मंदिर, जो कि एक विष्णु मंदिर है और छिंदक वंश या छिंदक डायनेस्टी से संबंधित है, या बोल सकते हैं छिंदक वंशी राजा सोमेश्वर देव से संबंधित नारायण पाल मंदिर स्थित है नारंगी इंद्रावती के संगम पर, फिर चित्रकूट जलप्रपात बनता है। क्लियर होती बात यहाँ तक? चलिए, उसके बाद और भी है, तीरथगढ़ अमृतधारा, इसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर वन का जो आंसर होगा वह होगा आपका सी। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू, अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कौन सा बोल रहा है? अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आप सबको पता होगा इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ए, सबको पता है कोरिया। तो अमृतधारा जलप्रपात के बारे में आप सबको पता है कि अमृतधारा जलप्रपात के बारे में ध्यान रखेंगे, पहला ये एक रामायणकालीन स्थल है, दूसरा यह मनिंद्रगढ़ तहसील पे कोरिया जिले पे है, मनिंद्रगढ़ तहसील पे, याद रखेंगे बरबसपुर नामक ग्राम के पास, यह स्थित है, ठीक। और यहाँ पर 1936 से, कब से? 1936 से प्रत्येक महाशिवरात्रि यहाँ पर मेला लगता है, जिसे रामानुज प्रताप शिवदेव ने 1936 से क्या किया था? शुरू किया था। यानी कि यहाँ पर शिवरात्रि में मेले लगने का प्रावधान रामानुज प्रताप शिवदेव के द्वारा 1936 में प्रारंभ करवाया गया। और याद रखें यहीं पर अमृतधारा गुफा भी स्थित है। तो अमृतधारा जो जलप्रपात है, यह प्रमुख रूप से ध्यान रखेंगे यह हसदेव नदी पर स्थित है। ध्यान रखेंगे हसदेव नदी के बारे में बात करें तो हसदेव नदी कहां से निकलती है? सबको पता है कैमूर रेंज से निकलेगी और यह आप किधर? दक्षिण की तरफ बहते हुए टोटल 176 किलोमीटर बहती है। तो क्वेश्चन नंबर दो का आंसर होगा आपका ए, कोरिया। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थ्री, छत्तीसगढ़ में अमृतधारा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस गांव पे स्थित है? तो याद रखेंगे मैंने अभी बताया बरबसपुर, तो क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर होगा सी, बरबसपुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में देखेंगे, निम्नलिखित में से कोठली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्या बोल रहा है? कोठली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान रखेंगे कोठली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हुए आगे बढ़ेंगे। कोठली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सबको पता है यह कन्हार नदी पर स्थित है, ठीक। कोटली जलप्रपात किस में स्थित है? कन्हार नदी पर स्थित है। यानी क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर आएगा बी, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित युग्मों को सही सही सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए बोल रहा है तो हमें इसे सुमेलित करना चाहिए। चलिए पहला बोल रहा है मलाजकुंडम जलप्रपात, ठीक, किसमें आएगा? दूध नदी पे। गावरघाट जलप्रपात किसमें आएगा? हसदेव नदी पे। तीरथगढ़ जलप्रपात आएगा किसमें? आएगा मुनगाबहार नदी पे। और रक्सगंडा जलप्रपात आएगा किसमें? आएगा रक्सगंडा जलप्रपात, हाँ जी, रिहंद नदी पर, ठीक है। तो रक्सगंडा जलप्रपात जो आएगा वो किसमें आएगा? रिहंद नदी पर। किमांड नदी पर आएगा? रिहंद नदी पर,
ठीक। तो इस आधार पर इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी कौन सा, 1, 4, 2 and 3 करेक्ट। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मलाजकुंडम जलप्रपात को, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहां पे मलाजकुंडम जलप्रपात। अब सबको पता है कांकेर में मलाजकुंडम क्या है, मेरी एक जलप्रपात है, और ये जो मलाजकुंडम जलप्रपात जो है यह है दूध नदी पर, ठीक। तो कांकेर जिले में मलाजकुंडम जलप्रपात दूध नदी पर स्थित है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और इसी दूध नदी के तट पर कांकेर शहर बसा हुआ है। जब कांकेर के बीचों बीच से यह दूध नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है। दो पॉइंट आपको समझ में आता है मलाजकुंडम के बारे में, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहां पर देखते हैं कौन से, मलाजकुंडम के पश्चात हम देखेंगे यहां पे गावरघाट जलप्रपात के बारे में। तो गावरघाट जलप्रपात को आप ध्यान रखेंगे, गावरघाट जो है, या इसे ही बोला जाता है गौरघाट जलप्रपात, ये गावरघाट या गौरघाट जलप्रपात जो होता है ये हसदेव नदी पर कोरिया जिले पर स्थित है। किस पे, हसदेव नदी पर कोरिया जिले पर यह स्थित है। फिर बात करते हैं हम लोग तीरथगढ़ जलप्रपात की, ठीक। तो तीरथगढ़ जलप्रपात आप सबको पता है कौन से नदी पर है, मुनगाबहार नदी पर। और ये जो मेरी मुनगाबहार नदी है, ठीक, मुनगाबहार जो नदी है, ठीक है, और ये जो मुनगाबहार नदी है यह सहायक नदी है कांगेर की, करेक्ट। और कांगेर की सहायक नदी, कांगेर किसकी सहायक नदी है, कांगेर है सबरी की। यानी फिर से मैं अगर रिपीट करूं तो ध्यान रखेंगे, सबरी की सहायक है कांगेर, और कांगेर की सहायक है मुनगाबहार, और मुनगाबहार में ही मेरी कौन सी है आपकी जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात। और तीरथगढ़ जलप्रपात को कांगेर घाटी का जादूगर भी बोला जाता है, यानी कि मैजिशियन ऑफ कांगेर वैली नेशनल पार्क, किसको बोला जाएगा, तीरथगढ़ जलप्रपात को, ठीक। चलिए तो यहां तक ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद अभी और इसमें इंफॉर्मेशन हम देखेंगे, बस्तर संबंधी कुछ नए नए वाटरफॉल हम आगे अभी डिस्कस करते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, देखिए अभी भी मैंने तीरथगढ़ के बारे में डिस्कस किया था, तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर होगा बी तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक। यानी कि याद रखेंगे आधिकारिक रूप से सबसे ऊंचा जलप्रपात छत्तीसगढ़ का अगर मैं बात करूं तो वह है तीरथगढ़ जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 300 फीट, करेक्ट। लेकिन आधिकारिक रूप से नहीं, बट अप्रत्यक्ष रूप से बीजापुर में स्थित नंबी धारा, तो यहां से क्वेश्चन बन गया कि बीजापुर में क्या स्थित है, नंबी धारा, ठीक। तीरथगढ़ कहां पर है, बस्तर जिले में, बट नंबी धारा कहां पर है, बीजापुर में। तो बीजापुर में स्थित जो नंबी धारा वाटरफॉल है ये लगभग 500 से लेकर 600 फीट है, बट इसे आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। तो सबसे ऊंचा वाटरफॉल तीरथगढ़ जलप्रपात, जो कि मुनगाबहार नदी पर है और यह कांगेर वैली नेशनल पार्क यानी कि बस्तर जिले पर स्थित है। तो ये तीरथगढ़ जलप्रपात हो गया। तो निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो गया, तीरथगढ़ जलप्रपात हो गया। दूसरा है चित्रकूट जलप्रपात, मैंने पहले डिस्कस किया, इंद्रावती नदी पर है। अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी पर है। केंदई जलप्रपात जो है वह केंदई नदी पर है, ठीक, जो कि हसदेव की सहायक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को छत्तीसगढ़ का एयर कंडीशनर कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का एयर कंडीशनर की बात हो रही है, तो ध्यान रखेंगे आंसर होगा इसका सी, अकुरी नाला। छत्तीसगढ़ का एयर कंडीशनर कहते हैं अकुरी नाला को। अब इसके बाद हम बाकी चीजों को और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट बोल रहा है तांबड़ा घूमर, तो ध्यान रखेंगे ये जो तांबड़ा घूमर जलप्रपात है, ठीक, यह तांबड़ा घूमर जलप्रपात है जिला आपका बस्तर, ठीक है। इस तांबड़ा घूमर जलप्रपात को मयूरा जलप्रपात भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मयूरा जलप्रपात, ध्यान रखेंगे तांबड़ा घूमर जलप्रपात को मयूरा जलप्रपात भी कहा जाता है, क्योंकि मयूरा का मतलब स्थानीय भाषा में तांबड़ा होता है, इसलिए मयूरा जलप्रपात को तांबड़ा घूमर या तांबड़ा घूमर को मयूरा जलप्रपात। घूमर का मतलब स्थानीय भाषा में आपका वॉटरफॉल होगा, ठीक। चलिए अब ये जो मेरी तांबड़ा घूमर या मयूरा जलप्रपात जो है यह बस्तर जिला पे विंता घाटी पर स्थित है, ठीक, जहां पर यह आपके वॉटरफॉल का निर्माण हो रहा है उस घाटी को या उस वैली को बोला जाएगा विंता घाटी, जिसे हम बोलते हैं दंडकारण्य का कश्मीर,
कश्मीर बोलेंगे। ठीक, तो ये जो तामड़ा घूमर स्थित है विंता में, जिसे मैं दंडकारण्य कश्मीर बोलूंगा, और ये जो मेरा तामड़ा घूमर मयूरा जलप्रपात है, इसे मैं मिनी नियाग्रा बोलता हूं। तो ध्यान देंगे यहां पर बात को। ठीक, एक मैंने यहां मिनी नियाग्रा को लेके स्पेसिफाइड किया, और मैंने यहां पे छत्तीसगढ़ यानी दंडकारण्य कश्मीर को लेके स्पेसिफाइड किया, मैंने यहां तामड़ा घूमर लेके बात किया, और मैंने यहां विंदा घाटी को लेकर बात की। तो इस तरह से तामड़ा घूमर ये क्लियर हो जाता है। फिर बात करते हैं बोक्तुम जलप्रपात। तो ध्यान देंगे जो मेरा बोक्तुम जलप्रपात है, बोक्तुम जलप्रपात आपका बीजापुर में स्थित है। कहां पर स्थित है भैया? बीजापुर में। तो ध्यान रखेंगे बोक्तुम जलप्रपात। ठीक, मैं अभी कहां की बात कर रहा हूं? बीजापुर की। बोक्तुम जलप्रपात बीजापुर में स्थित है, याद रखेंगे। इसके साथ ही और एक जलप्रपात है जिसका नाम है नंबी धारा। ठीक, तो ये जो मेरी नंबी धारा जलप्रपात है, ये भी आपके बीजापुर में स्थित है। लगभग लगभग 500 फीट इसकी क्या है, हाइट है नंबी धारा की। ठीक है, उसके बाद थर्ड एक आ जाएगा आपका लंकापाली वॉटरफॉल। इसको याद करेंगे अभी एक दो क्वेश्चन के साथ, और बीजापुर की चीजों को मैं कलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो लंकापाली वॉटरफॉल जो तहसील है जिसका नाम उसूर। ठीक, और इसे बोला जाता है सात कुंडो वाला वॉटरफॉल बोला जाता है। इन सबको याद रखें आप। सात कुंडो वाटर वॉटरफॉल किसको बोला जाएगा? लंकापाली को। ठीक, लंबी धारा 500 फीट कहां पे? बीजापुर में। ये कहां पे? बोक्तुम। बोक्तुम कहां पर है आपका? बीजापुर में। यानी कि बीजापुर में तीन, बोक्तुम, लंबी धारा, लंकापाली। लंकापाली, लंबी धारा, बोक्तुम। क्लियर। चलिए तीसरा अकुरी नाला, जिसको इस क्वेश्चन का आंसर था एयर कंडीशन यानी प्राकृतिक एयर कंडीशनर कहा जाएगा। अकुरी नाला को ध्यान रखेंगे, यह बंसीपुर नामक ग्राम पे कोरिया जिले पर स्थित है। फिर आते हैं हम लोग डी, कुरसेल झरना। चलिए कुरसेल झरना के बारे में बात करते हैं, कौन से जिले पे है। अभी मैंने बीजापुर के तीन वॉटरफॉल बताए, अब मैं आपको बताता हूं नारायणपुर के तीन वॉटरफॉल। नारायणपुर में एक चीज तो ध्यान रख लेंगे, ये कुरसेल झरना को। ठीक, कुरसेल झरना। ठीक है, ये किधर वाले? कांकेर जाने वाले रोड पे, आमाबेड़ा अंतागढ़ वाला रोड है ना, वहां पे कुरसेल झरना आपको पड़ेगा। इसके साथ याद रखेंगे एक नोगो बाबा वॉटरफॉल। ठीक, नोगो बाबा वॉटरफॉल ग्राम गुड़ाबेड़ा। तो नोगो बाबा वॉटरफॉल ग्राम गुड़ाबेड़ा, कुरसेल झरना, दो चीजें हैं यहां। तो ये नोगो बागा जो वॉटरफॉल है, वह नारायणपुर से जब हम ओरछा की तरफ मुड़ते हैं, आपको पता है नारायणपुर में दो ही तहसील है, एक है आपका नारायणपुर और दूसरा है ओरछा। तो नारायणपुर से ओरछा जाने वाले रास्ते में जब छोटे डोंगर की पहाड़ी आती है, वहां पर मुझे नोगो बागा वॉटरफॉल की प्राप्ति होती है। ठीक, नारायणपुर में कुरसेल झरना, सेकंड नोगो बागा। बीजापुर में क्या बात किया था मैंने? मैंने बोला था बोक्तुम। बोक्तुम के साथ मैंने क्या बोला दूसरा? लंकापाली। लंकापाली के साथ क्या बोला था? नंबी धारा। नारायणपुर में क्या बोल रहा हूं? कुरसेल झरना, नोगो बागा। ठीक, तीसरा याद रखेंगे हांदावाड़ा। कई बार यह हांदावाड़ा को ले लिया जाता है बीजापुर में, बट ध्यान रखेंगे हांदावाड़ा जो है बीजापुर नारायणपुर के बॉर्डर में है, और वहां हांदावाड़ा नामक एक पंचायत भी है। ठीक, हांदावाड़ा। ठीक है, हांदावाड़ा वॉटरफॉल, और यह हांदावाड़ा जो है मिल्कुलवाड़ा नामक ग्राम के पास होने के कारण इसे मिल्कुलवाड़ा हांदावाड़ा भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो हांदावाड़ा वाटरफॉल हो गया, और ये जो मेरा हांदावाड़ा वाटरफॉल है, इसको ही गोयदेर घूमर भी स्थानीय भाषा में कहा जाएगा। सात कुंडो वाला बीजापुर किसको बोला मैंने? लंकापाली को। ठीक, यहां पर हांदावाड़ा को क्या बोल रहा हूं मैं? गोयदेर घूमर, याद रखेंगे स्थानीय भाषा में इसे गोयदेर घूमर कहेंगे। तामड़ार घूमर को मैंने क्या बोला था? मयूरा वॉटरफॉल, याद रखेंगे स्थानीय भाषा में मयूरा वॉटरफॉल को तामड़ा घूमर, इसे गोदर घूमर या गोयदेर घूमर भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका नारायणपुर के सारे झरने। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी होगा, उसके साथ ही आप लोगों ने बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? वर्तमान में मिर्दे जलप्रपात कहां पाया गया है? ध्यान रखिए कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में मिर्दे जलप्रपात कहां पाया गया है? चलिए, तो ध्यान रखेंगे मिर्दे जलप्रपात की बात बोल रहा है, इसका आंसर होगा आंसर ए कोंडागांव जिला।
ध्यान रखिएगा केसकाल घाटी के आसपास वर्तमान में 3 से 4 वॉटरफॉल्स जो नए खोजे गए हैं या नया इंफॉर्मेशन समसामयिकी में देखने को मिलता है उससे संबंधित यह क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे मिर्दे वॉटरफॉल, निम दरहा वॉटरफॉल, दरहा मतलब भी वॉटरफॉल होता है, आम दरहा वॉटरफॉल एंड ऊपर बेदी वॉटरफॉल, ऊपर बेदी वॉटरफॉल, वॉटरफॉल, वॉटरफॉल एंड वॉटरफॉल, यानी ये चार जो हैं ये ध्यान रखेंगे कोंडागांव के केसकाल नामक, कोंडागांव के केसकाल नामक वाले क्षेत्र पे ये हमें देखने को मिलता है। मिर्दे वॉटरफॉल, निंदरहा वॉटरफॉल, आमदरहा वॉटरफॉल एंड ऊपर बेदी वॉटरफॉल, क्लियर। तो इस तरह से ये जो चार वॉटरफॉल हमें ध्यान रखने हैं कोंडागांव को लेके, आगे भी और भी 2-3 नए वॉटरफॉल्स के बारे में बात करूंगा कुछ क्वेश्चंस पे, इसको ध्यान रखें। कोंडागांव में मिर्दे के लिए क्वेश्चन था, निमदरा हो गया, आमदरा हो गया एंड ऊपर बेदी हो गया, इसको नोट कर लें आप लोग, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चर्रे मुर्रे या चुर्रे मुर्रे झरना निम्नलिखित में से किस जिले पर स्थित है। इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है, कुछ लोग इसे नारायणपुर लिखते हैं समझते हैं और कुछ इसे कांकेर लेते हैं, बट आधिकारिक सोर्स तो के आधार पर इसका जो आंसर है वह है कांकेर जिला। तो इसका आंसर होगा आंसर बी कांकेर जिला। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा आंसर बी कांकेर जिला। तो आइए समझते हैं चर्रे मर्रे को पहले। तो ध्यान रखेंगे चर्रे मर्रे जो जलप्रपात है यह कांकेर के अंतागढ़ नामक तहसील पर, आप सबको पता है ये वाला जो एरिया है ये है मेरा अंतागढ़ और यहां से एक रास्ता होकर जाता है, ठीक। तो ये नारायणपुर और ये ओरछा वाला पॉइंट है, ठीक। अब पॉइंट ये है कि यहां पर इस वाले एरिया में, इस अंतागढ़ वाले क्षेत्र पे एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जोगी नदी। ध्यान रखेंगे जोगी नदी, ठीक। तो ये जो चर्रे मर्रे वॉटरफॉल है ये है आपका जोगी नदी पर स्थित है, ठीक है। तो कांकेर के अंतागढ़ नामक तहसील पर जोगी नदी पर यह चर्रे मर्रे वॉटरफॉल है और यह किसके निकट है, ध्यान रखेंगे यह पिंजारिन घाटी के निकट है, ठीक। तो यहां से 2 क्वेश्चन समझ में आता है, पिंजारिन घाटी कहां है वह है कांकेर में, चर्रे मर्रे कहां है कांकेर में, कौन सी नदी पर है जोगी नदी पर, और यही जोगी नदी आगे जाकर कोटरी नदी के साथ मिल जाता है, यह भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक। चलिए तो अंतागढ़ आमावेड़ा मार्ग पर चर्रे मर्रे वॉटरफॉल हमें मिल जाता है। बाकी अभी हम इसके आगे और देखेंगे, चर्रे मर्रे हो गया, चर्रे मर्रे के साथ कांकेर में एक और है आपका मायना वॉटरफॉल, मलाज कुंडम वॉटरफॉल, आप सबको पता है कि इस नदी पर है, दूध नदी पर है, क्योंकि मलाज नामक कहां से निकलता है, पहाड़ी से निकलती है मलाज कुंडम, और वहां पे मलाज कुंड, मलाज नामक एक छोटी छोटी मछलियां भी पाई जाती हैं कुछ गड्ढों पे, इसलिए उसका नाम मलाज कुंडम पड़ता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। तो जो मेरा क्वेश्चन नंबर 10 है वह है हरिम रका एवं कच्चा पाल जलप्रपात किस जिले में है। ध्यान रखेंगे क्या बोला मैंने, हरिम रका व कच्चा पाल जलप्रपात किस जिले में है, तो ध्यान रखेंगे यह है नारायणपुर में, नवीन है इसे ध्यान रखेंगे। हरिम रका एवं कच्चा पाल जलप्रपात किस जिले में है, तो ध्यान रखेंगे नारायणपुर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं, कुएं मारी डोंगरी किस जलप्रपात का स्थानीय नाम है। क्या कुएं मारी डोंगरी, कुएं मारी डोंगरी किस जलप्रपात का स्थानीय नाम है, तो इसका आंसर होगा ए मुत्ते खड़का जलप्रपात का, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे मुत्ते खड़का जलप्रपात जो है इसका स्थानीय नाम जो है वह कुएं मारी डोंगरी है। इसके लोकेशन पे थोड़ा सा डाउट है बट ये बॉर्डर पे है, इसे ध्यान रखेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस आप कोंडागांव पे लेंगे और कोंडागांव अगर नहीं लेता है आंसर में तो आप इसे कांकेर में लेकर चले जाएंगे, ठीक। आप सबको पता है छत्तीसगढ़ में कुछ तथ्यों को लेकर हमें प्रेफरेंस लेवल पे जाना होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से तथ्य ऐसे होते हैं जो क्लैश करते हैं। इस आधार पर मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूं, अगर आया तो पहले आप कोंडागांव लेंगे अदरवाइज आप कांकेर लेके चले जाएगा। मुझे पता है कि कई लोगों को कन्फर्म होगा बट ठीक है, कुछ को कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हम यहां पर पहले प्रेफरेंस कोंडागांव, दूसरा कांकेर मुत्ते खड़का वाटरफॉल, यानी कि कांकेर के हिसाब से हमने 3 चीज देखा, पहला एक देखा चर्रे मर्रे, दूसरा देखा मलाज कुंडम और तीसरा देखा मुत्ते खड़का वाटरफॉल भी हमने देख लिया, ठीक। इसके साथ ही साथ कुछ और वॉटरफॉल्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं बीजापुर में, ठीक।
बीजापुर में आप एक वाटरफॉल नोट कर लेंगे, बीजापुर में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है नीलम सराई। नीलम सराई वाटरफॉल कहां पर? बीजापुर में नीलम सराई वाटरफॉल। पेंड्रा में की बात करूं तो याद रखेंगे पेंड्रा में झोंझा वाटरफॉल, ठीक। फिर याद करें अगर धमतरी में, तो धमतरी में आप ध्यान रखेंगे नरहरा वाटरफॉल, करेक्ट। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप केवल नोट करके रखें, ठीक है। चलिए, तो बीजापुर में नीलम सराई, पेंड्रा में झोंझा और धमतरी में नरहरा वाटरफॉल। इसके पश्चात एक क्वेश्चन और होता है दरहा दरहा वाला, जिसमें बाकी कभी बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक। तो उस दरहे वाले पॉइंट को मैं क्लियर कर देता हूं। चलिए, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे आप कोरिया जिला अपने कॉपी में बना लें, कोरिया। कोरिया के बाद इधर मैं लिख लेता हूं जसपुर, ठीक। फिर यहां पे मैं लिख लेता हूं कवर्धा, करेक्ट। कवर्धा के बाद मैं इधर आ जाता हूं आपका बस्तर, और बस्तर के बाद यहां पर आ जाता हूं मैं सुकमा, ठीक। कुछ ऐसे वाटरफॉल हैं जो इनमें कॉमन है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं किस टाइप से कॉमन है ये, ठीक है। चलिए, तामड़ा कुमार को क्या बोलते हैं सबको पता है? तामड़ा कुमार को बोला जाता है क्या? मयूरा जलप्रपात, ठीक। चलिए, कोरिया, कोरिया में आप ध्यान रखेंगे, कोरिया में आप ध्यान रखेंगे रामदा, बनास नदी पर स्थित है रामदा। जसपुर में याद रखेंगे आप रानी दा, रामदा रानी दा। बस्तर में याद रखेंगे आप हाथी दरहा, मिंद्री घुमर को ही हाथी दरहा बोला जाता है, ठीक, हाथी दरहा। सुकमा में याद रखेंगे आप रानी दरहा, रानी दरहा, हाथी दरहा, रानी दा, रामदा, ठीक। और इसे यहां पर बोला जाएगा आपका रानी द ह रा, दहरा और दरहा, इसको ध्यान रखेंगे इन लोगों, ठीक। ये पॉइंट्स इसलिए मैंने बोला कि कई रिसोर्सेस में ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसलिए आपको ज्यादा ढूंढने पे कष्ट ना करना पड़े, इसलिए मैंने इसको इस पॉइंट को यहां पर नोट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने वाटरफॉल वाला टॉपिक देखा। कल जो हमारा टॉपिक आएगा वो हमारा सॉयल से संबंधित होगा, ठीक। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो वाटरफॉल से रिलेटेड बन सकते हैं, जैसे नीलम सराई या कुछ कुछ नए वाटरफॉल्स मैंने आपको बताया, उन चीजों को याद रखेंगे आप, ठीक है। और इसके साथ एक चीज और याद रखेंगे, दंतेवाड़ा में सूरतगढ़ वाटरफॉल जो कि डंकनी संकनी नदी पर स्थित है, ठीक। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन का सेट जो होगा वो होगा सॉइल यानी कि मिट्टी पर होगा, और वो हम लोग नेक्स्ट सीरीज पे इसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।